વાપી ખાતે બહુજન સમાજ પાર્ટી દ્વારા પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ વધારો તેમજ સ્કૂલ અને વીજ બિલની માફીના મુદ્દે મામલતદારને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું। બહુજન સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ મનોજ સોલંકી સહિતના હોદ્દેદારોએ વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટરને વાપી મામલતદારને આવેદનપત્ર આપી પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ વધારો પાછો ખેંચવા તેમજ લોકડાઉનની સ્થિતિમાં સ્કૂલ ફી અને વીજ બિલ માફ કરવાની માંગણી કરી હતી। आज ही हमारी मांग है कि निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, जो लॉकडाउन के दरमियान जितने सारे लोग घर पर बैठे, जिन्हें काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, सब घर पर बैठे, छोटे बच्चे सब भी घर पर बैठे, काम बिल्कुल कुछ है ही नहीं, उसके बावजूद स्कूल वाले मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, फीस वसूल कर रहे हैं, फीस में कोई ढील नहीं दी जा रही है, फीस में कोई माफ़ी नहीं दी जा रही है, और ऑनलाइन का जो भी नाटक चल रहा है वो भी फीस के कारण चल रहा है। इस कारण हमने ये मुद्दा बना के मामलेदार साहब श्री को आज आवेदन पत्र दिया है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। दूसरा मुद्दा है हमारा लाइट बिल। मुख्यमंत्री श्री रूपाणी जी ने जो किया था कि 100 यूनिट बिजली बिल माफ़ करेंगे, लेकिन अभी तक बिजली बिल के अंदर कुछ नहीं है। बिजली बिल भरने के लिए जाते हैं तो वहाँ जगह कोई माफ नहीं है, कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट हर आदमी को हर मंथ फ्री करें, इससे सारी जनता को थोड़ा सा राहत मिले। ये हमारी मांग थी, ये हमारे मुद्दे लेके आए थे, कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया और दूसरा आदिवासी जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में जो एरिया में जो आदिवासी लोगों को जो उठाया जा रहा है सरकार, उसके लिए हमारी मांग थी कि उनके ऊपर भी जुल्म ना हो।